गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल राइट लेटर ई। बच्चों आज हम लेटर ई लिखना सीखेंगे कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें कैपिटल लेटर ई ये कैसे लिखा जाता है और इसको हम बोलते कैसे, इसको हम रीड कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं लेटर ई। ये देखिए, ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, ये स्पेलिंग लिखी है एलिफेंट की, क्या बोलते हैं हम ई को, ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट, क्या साउंड सुनाई आ रही है आपको, ई की साउंड सुनाई आती है ना, क्या बोलते हैं इसको हम, ई। ठीक है, अब इसे डॉट्स पे ट्रेस करेंगे, इसे लिखते कैसे कैपिटल ई को। देखिए, सबसे पहले अपनी पेंसिल को यहाँ रखेंगे आप ब्लैक डॉट पे, फिर जो डॉट्स दिए इनको ट्रेस करेंगे, इनको ट्रेस करते हुए एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप ध्यान से देखना बच्चों, ये ऊपर रेड लाइन पे एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, है ना, यहाँ से डॉट से टच करके, और उसके बाद इस ब्लू लाइन पे सेकंड स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, और नीचे नीचे वाली ब्लू लाइन पे एक और स्लीपिंग लाइन आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये बनता है लेटर ई। फिर से समझिए कैसे बताया मैंने कि आपको ई लिखने के लिए क्या करना होता है, कि सबसे पहले तो एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी होती है, उसके बाद में रेड लाइन पे एक स्लीपिंग लाइन, फिर ब्लू लाइन पे, फिर नीचे वाली ब्लू लाइन पे, मतलब आपको इन तीनों लाइंस में एक इस तरह से छोटी स्लीपिंग लाइन आपको ड्रॉ करनी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, इस तरह से छोटी। ठीक है, और ये 1 2 3 इन थ्री लाइंस के बिटवीन बनता है ना, तो आपको थ्री लाइंस ड्रॉ करनी होती है स्लीपिंग लाइन, और ये बनता है लेटर ई। फिर से देखेंगे, पुट योर पेंसिल, आप अपनी पेंसिल को ऐसे होल्ड करेंगे बच्चों, पेंसिल भी देख लीजिए कैसे पकड़ते हैं, आपको पेंसिल इस तरह से होल्ड करनी है ना, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पेंसिल को रख के एक स्टैंडिंग लाइन, एक सीधी खड़ी रेखा इस तरह से ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर यहाँ पे एक स्लिपिंग लाइन, सेकंड स्लिपिंग लाइन और थर्ड स्लिपिंग लाइन, इस तरह से तीन स्लिपिंग लाइन आपको ड्रॉ करनी है, बनता है लेटर ई। ठीक है, कैपिटल ई, कैसे बोला हमने इसको, ई, ई, ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, फिर से देखिए, पुट योर पेंसिल ऑन डार्क डॉट, एंटर स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद ड्रॉ स्लिपिंग लाइन, सेकेंड एंड थर्ड, तीन स्लिपिंग लाइन आपको ड्रॉ करनी है। चलिए करते जाएंगे अब हम कंटिन्यूस, इस तरह से स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, फिर स्लिपिंग लाइन और अगेन स्लिपिंग लाइन, तो ये बनता है आपका लेटर ई। बोलते जाएंगे हम, ई, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, ई फॉर ईगल, है ना बच्चों, ई से, लेटर ई से बहुत से वर्ड्स बनते हैं, जैसे ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग एंड ई फॉर ईगल एंड ई फॉर आई, आई भी होता है, ई फॉर आई, ई फॉर नो, सॉरी ईयर, ठीक है ना, आईज, ईयर, ये सब लेटर ई से बनते हैं, लिखे जाते हैं। चलिए अब हम ई लिखते हैं, फिर से सीखते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, फिर से देखो एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, उसके बाद स्लिपिंग लाइन, 1 2 3, थ्री स्लिपिंग लाइन आपने ड्रॉ की है। ठीक है, अब नीचे लाइन पे आ जाइए, अभी हम डॉट्स को ट्रेस कर रहे हैं, यहाँ से पेंसिल रखी, उसके बाद इस तरह से स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बनता है अल्फाबेट ई, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, और एलिफेंट मीन्स हाथी, है ना बच्चों, एलिफेंट मीन्स क्या होता है, हाथी, देखो यहाँ पिक्चर में दिया है, पिक्चर में दिया है ना एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी। लिखते जाएंगे हम इस तरह से, आप अपने आप करना बच्चों, कोई मिस्टेक होती है तो आप इरेज कीजिए, खुद से लिखना सीखना, सबसे पहले आप इन डॉट्स को ट्रेस करना। ठीक है ना, डॉट को ट्रेस करेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा, इस पर जब आप पेंसिल चलाएंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। इसके बाद नीचे लाइंस पे देखेंगे, ये विदाउट डॉट है, विदाउट डॉट में भी आपको ये लेटर लिखना आना चाहिए, लेटर ई कैसे कर रहे हैं देखिए। सबसे पहले अब इसको समझिए, सबसे पहले हमने ये ब्लैक डॉट है बच्चों, यहाँ पे अपनी पेंसिल रखेंगे और एक स्टैंडिंग लाइन या नीचे ब्लू लाइन तक यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद
आप एक स्लिपिंग लाइन, दूसरी स्लिपिंग लाइन और तीसरी स्लिपिंग लाइन, इस तरह से तीन स्लिपिंग लाइन आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से आड़ी रेखा। पहले एक सीधी खड़ी रेखा, उसके बाद 1 2 3 तीन आप स्लिपिंग लाइन मतलब आड़ी रेखा इस तरह से आप खींचेंगे, ठीक है। तो ये बनता है लेटर ई, देखते जाइए 1 2 और 3 है ना, 1 2 3 कहाँ कहाँ पे बनाई हमने, कहाँ स्टार्ट किया, पहले रेड लाइन पे, फिर ब्लू पे, फिर दूसरी ब्लू लाइन पे, है ना। इस तरह से हमने लेटर ई लिखा है, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है। और देखिए नीचे, ई फॉर एलिफेंट, 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 ठीक है, ई फॉर एलिफेंट। आपको ऐसे बोल बोल के लिखना है, ठीक है ना, रीड करते जाना साथ साथ में, बोल के लिखना, इससे आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप बोल बोल के लिखेंगे, साथ में पढ़ते जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से लेटर लर्न हो जाएगा, अल्फाबेट अच्छे से लर्न होगी। ई फॉर एग, ई फॉर एग, ई फॉर आइज एंड ई फॉर ईयर्स एंड ई फॉर ईगल। ई से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं ई से, जो हमें आने चाहिए, है ना, हम बोल बोल के सीख रहे हैं। ई, लेटर ई, ई फॉर एलिफेंट। और कैसे बना रहे हैं, आपने अच्छे से बनाना सीखा, देखो फिर से। अब हम विदाउट डॉट पे लिख रहे हैं, ये जो ब्लैक डॉट दिया है यहाँ पे हम अपनी पेंसिल रखेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन करेंगे और उसके बाद आप इस तरह से 3 स्लिपिंग लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये बनेगा ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा मिस्टेक होता है ना बच्चों, तो इरेज कर दीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल लाइन के ऊपर प्रॉपर तरीके से लाइन पे आपको बनाना है, ये जो लाइन्स है ना बच्चों, इसी पे ड्रॉ करनी है लाइन। एक तो स्टैंडिंग लाइन सीधी खींचनी है, उसके बाद जो स्लिपिंग लाइन करोगे वो इन जो ये जो लाइन बनी हुई है, जो ब्लू और रेड लाइन है, इन लाइंस के ऊपर बिल्कुल उसी के ऊपर प्रॉपर तरीके से आपको ड्रॉ करनी है, खींचनी है, बनानी है ना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनानी है, और लाइन से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, लाइन से बाहर नहीं आनी चाहिए। हाँ, अब अपन नीचे लिख रहे हैं, ये ई फॉर एलिफेंट। देखिए इस लाइन में भी ऐसे ही आपको लाइन के ऊपर बिल्कुल लाना है ना, ये जो लाइन्स दी है ब्लू और रेड लाइन, इस पर बिल्कुल ढंग से बनाना है, लाइन के बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना, लाइन के बाहर नहीं आना चाहिए, वो रॉन्ग होता है। आपको इन लाइन्स पे बिल्कुल प्रॉपर ढंग से आपको लिखना है इस तरह से, ई, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। अब हम लास्ट लाइन पे देखेंगे, अब आपकी लास्ट लाइन चल रही है बच्चों, आप भी फुल पेज कंप्लीट करेंगे, नीचे लास्ट लाइन तक आपको खुद को करना है, या आप खुद से लिखना सीखना बच्चों, अपने पेरेंट्स से, मम्मी या पापा से केवल हेल्प लेना, उनको कहना कि हमारा हाथ पकड़ के हमको सिखा दे, या थोड़ा सा हमें अच्छे से लिखना बता दे, है ना। लेकिन उनसे काम नहीं कराना है आपको, आपको उनसे काम नहीं कराना है, आपको खुद से आना चाहिए ना, खुद लिखना सीखना। और ये जब पूरा कंप्लीट करके जाना मेरे साथ साथ, जब आपको हम बुलाएंगे करेक्शन के लिए स्कूल में, आपकी ये राइटिंग बुक चेक होगी, तो आप ये काम पूरा कंप्लीट करना है ना, जब आपको स्कूल में बुलाया जाएगा तब आप आके चेक करवाना, करेक्शन करवाना, राइट। तो आज हमने लेटर ई पूरा लिखना सीखा है, कैपिटल लेटर ई फुल पेज कंप्लीट किया है, आप ही इसको कंप्लीट करना करके, फाइन, थैंक यू।